तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक्सपो का वीडियो जो है आप बनाइए, दिखाइए कि आखिर में ये एक्सपो में होती क्या है। सो आज मैं उसी चीज़ों को दिखाने के लिए आपको लेके चलूंगा और क्या क्या चीज़ें होती हैं एक्सपो में। काफ़ी अमेजिंग सी जगह है और काफ़ी जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। सो सबसे पहले ये जो एरिया है यहाँ पे अभी हम लोग खड़े हुए हैं और ये इनका जो पीछे आपको दिख रही होगी ये इनका गेट पास है, मतलब फ्रंट का जो गेट है वो है जहाँ से हम एंट्री करते हैं। और आगे जो प्रोसीजर होगी उसको आप पूरा देखते जाइए और वीडियोस थोड़ी सी लंबी बन सकती हैं क्योंकि जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सारी जगह है यहाँ पर घूमने के लायक और देखने के लायक, जो स्टॉल्स लगी हुई हैं। तो वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिए और एक एक जो चीज़ें हैं वो मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से है इस बेंगलुरु की जो एक्सपो है 2022 एक्सपो उसमें। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे हमारी जो फर्स्ट एंट्री होती है वो यहाँ से होती है। सो कुछ इस जगह पे एक रोड है जो मेन रोड है, वहाँ से एंट्री पास की ये गेट्स हैं जहाँ पे आप गाड़ी वगैरह जो है यहाँ से पार्किंग में लगा सकते हैं। और सामने आपको जो एक स्पॉन्सर्स कंपनी जो दिखेंगी सामने, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे AIMA एक्सपो 2022 और जो ब्रांड्स हैं स्पॉन्सर्स, जो ब्रांड्स हैं उनके आपको काफ़ी सारे कंपनीज के नाम दिखेंगे। पार्किंग के लिए काफ़ी सारी जगह है यहाँ पे जहाँ पे आप ऑटोस वगैरह देख पा रहे होंगे और सामने जो है आपको बाइक्स वगैरह भी जो है पार्किंग में लगी हुई दिख पाएंगी। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है ये। सो जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे ये ग्राउंड जो है काफी बड़ा है। सो कुछ इस तरीके से मैं दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। और जो है हम आगे चलते हैं। हमारा जो एंट्री पास गेट है, मतलब एक्सपो में विजिट करने के लिए कहां से जाना होगा वो जगह कुछ सामने से आपको मिलेंगी। सो फिलहाल मैं आपको जल्दी से जल्दी लेके चलता हूं। एक्सपो के लिए हमने एंट्री ले ली है और एंट्री लेने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये पहला आपको कार्ड लेके बनवाना है जो कि आप ऑनलाइन से रजिस्ट्रेशन किए होंगे, वहाँ से ये आपको यहाँ से आपको कार्ड जो है मिल जाएंगे। ये काउंटर्स है, इसके बिना आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। जैसा कि गार्ड्स आप देख रहे हो पीछे गार्ड बैठी हुई है। और उसके बाद आपको चाहिए होगा एक बिज़नेस कार्ड जो कि आपका बिज़नेस का एक कार्ड होता है, वो दो चीज़ें कंपलसरी है, इसके बिना आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। और यहाँ से जो है हमारा मेन जो एंट्री है वो स्टार्ट होता है और आगे जो प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो काफ़ी सारे लोग जो है अभी आ रहे हैं और जिनका विजिट हो गया वो वापस जा भी रहे। तो ये जो है आपको फर्स्ट व्यू यहाँ से देखने को मिलेगा और जैसा कि सामने मैं लेके चलता हूँ तो सबसे पहले आपको गणपति जी देखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर और कुछ इस तरीके से यहाँ पे गणपति जी अभी विराजमान है। और आगे मैं स्टॉल्स में लेके चलता हूँ आपको और यहाँ आपको देखने को मिलेगा एक एक्सपो का लोगो देखने को मिलेगा और इधर से आपको जो है एंट्री पास भी यहाँ से आपको देखने को जो है मिलेंगी। और कुछ कुछ चीज़ें जो है यहाँ और हो रही हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर कुछ कॉफ़ीज़ चाय के लिए और राइट साइड पे आप देखोगे तो कुछ ब्रांड्स के जो चीज़ें होती ना पुरानी कल्चर्स में जो चली आ रही हैं। और ये लोगो जैसा कि देख रहे हो काफ़ी अच्छा ये दिख रहा है एक्सपो।
हमारा कौन सा तो सामने आप देख पा रहे होंगे, तो कुछ इस तरीके से जो हमारा पास होता है उसे हमें स्कैन करवाना होता है और ये मेन एंट्री गेट है जहाँ से हम एक्सपो के लिए इंटर करेंगे। तो ये हमारा पास अभी स्कैन हो गया और ये फ्रंट आपको यहाँ पे कुछ स्टॉल्स दिखेंगी, उसके साथ साथ जो एक्सपो में जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। तो जैसे कि आप राइट साइड में देख पा रहे होंगे तो काफ़ी सारे स्टॉल्स इधर भी लगे हुए हैं और जो है काफ़ी सारे इस तरफ भी स्टॉल्स लगे हुए हैं। और स्टार्टिंग बेस में जो स्टॉल्स हैं वो आपको परफ्यूम्स कंपनी की आपको दिखेंगे, जो परफ्यूम ब्रांड्स होते हैं ना उसके स्टॉल्स आपको दिखेंगे, जिसमें अलग अलग तरीके से जो फ्रेगनेंस के हैं, फ्रेगनेंस के नोट और उसके बारे में आपको जानकारियाँ दी जाएंगी। उससे पहले किसी भी स्टॉल पे हमें इंटर करने से पहले हमें हमारा जो है बिजनेस कार्ड जो है दिखाना होता है कि हम किस जगह से आए हुए हैं और हमें किस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। बेसिकली अगर आपको परफ्यूम्स चाहिए सो उस स्टॉल पे आप अपना बिजनेस कार्ड दिखाएंगे और बिजनेस कार्ड दिखाने के बाद आप उनसे डिटेल्स ले सकते हैं कि कौन कौन से परफ्यूम्स क्या क्या रेंज में आएंगे और उसके बारे में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, प्राइस हो या फिर क्वांटिटीज़ हो या फिर और जो चीज़ें होती हैं ना, जो फ्रेगनेंस के नोट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आप इनसे पूछ सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से ये आपको रिप्लाई यहाँ से देंगे। और ये सामने आप एरोकैम जैसे जानते होंगे जो बड़ी परफ्यूम्स कंपनी है उसकी स्टॉल्स आपको दिखेंगी और इधर आपको और काफ़ी सारे जो स्टॉल्स हैं अलग अलग वो आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी। तो सामने आप देख पा रहे होंगे केवा ग्रुप्स के जो स्टॉल्स हैं वो हमें यहाँ देखने को मिलेंगे और हमने थोड़ी देर पहले यहाँ विज़िट किया था तो हमें काफ़ी अच्छा जो है परफ्यूम्स के ऊपर नॉलेज देखने को मिला और साथ ही हमें परफ्यूम्स की जो वेराइटीज़ होती हैं अलग अलग फ्रेगनेंस के ऊपर वो हमें देखने को और सीखने को मिली। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो नज़ारा काफ़ी सुंदर हमें और देखने को मिलता है और काफ़ी सारे और अलग अलग कंपनियों के स्टॉल्स लगे हुए हैं, जिसमें से आपका मशीन से रिलेटेड प्रोडक्ट, अगरबत्ती रॉ मटेरियल से रिलेटेड प्रोडक्ट जिसमें बैम्बू और जो मटेरियल्स हैं, जो मसाला अगरबत्ती से रिलेटेड प्रोडक्ट जो होते हैं उनके काफ़ी सारे, तो उन सभी चीज़ों को आप अलग अलग स्टॉल्स में जाकर वहाँ से सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं और जो डिटेल्स होती हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं। और उसी तरीके से जो काफ़ी सारे जो पैकेजिंग्स कंपनीज़ हैं उनके काफ़ी सारे स्टॉल्स में हमने विज़िट किया तो काफ़ी अलग अलग तरीके से जो है पैकेजिंग के ऊपर हमें जानकारियाँ मिली। और सामने आप देख पा रहे होंगे जो डीपी ऑयल्स की कंपनियाँ हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो और काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। सामने आप देख पा रहे होंगे जो पैकिंग मटेरियल से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, मतलब जो पैकेजिंग का होता है, जैसे बॉक्सेस हैं, जीपर हैं, तो उनके बेस में भी काफ़ी सारी कंपनियाँ आई हुई हैं जहाँ से आप अलग अलग डिज़ाइन या फिर जो सैम्पल्स हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं और उसके प्राइस रेंज और क्वांटिटीज आप पूछ सकते हैं। तो सामने और आपको मशीनरी से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं उसके स्टॉल्स दिखेंगे जहाँ पे अलग अलग तरीके के जो मशीन्स होते हैं, जैसे हमारा अगरबत्ती मेकिंग है, धूप मेकिंग है और बैम्बूलेस स्टिक्स हैं, धूप कोन है और समराणी जैसे मशीन के स्टॉल्स यहाँ पे लगी हुई हैं और काफ़ी सारे कंपनीज अपने अपने प्रोडक्ट को लेके आई हुई है। और उसी के साथ साथ जो स्पेयर पार्ट्स वाले जो काउंटर्स हैं या फिर स्टॉल्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और आगे इंडियन कंपनीज़ के साथ साथ आपको चाइना और वियतनाम के भी स्टॉल्स देखने को मिलेंगे जहाँ से आपको जो बैम्बूज़ हैं या फिर जोस है और जो जो वो रॉ मटेरियल्स जो सप्लायर हैं उनसे आप इंक्वायरीज ले सकते हैं बैम्बू जोस और जो और मटेरियल्स हैं रॉ मटेरियल के बेस में, तो उसके बारे में भी आप जानकारियाँ ले सकते हैं। तो वो स्टॉल्स भी यहाँ पर लगी हुई हैं चाइना और वियतनाम की।
तो यही था आज का वीडियो अगरबत्ती एक्सपो 2022, और यहाँ आके हमें काफ़ी अच्छा नॉलेज मिला। और इसी के साथ साथ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अगले वीडियो में।